सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इस चैप्टर में एनसीईआरटी में बहुत सारे एग्जांपल्स छुपे हुए हैं जो बार बार तंग करते हैं, तो इस एक वीडियो में सबको खत्म कर देंगे, ठीक है। और ट्रिक्स की टेंशन मत लेना, ऐसा मत सोचना कि ट्रिक्स भूल जाएगी, क्योंकि मैं वन लेटर या वन वर्ड की ट्रिक्स नहीं बनाता, पूरा लॉजिकल ट्रिक्स के साथ चलेंगे, है ना। जिस चीज की ट्रिक है उसको उसको कंबाइन करके पूरा लॉजिक्स के साथ चलेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सबसे पहली बात, नंबर ऑफ ओव्यूल मे बी वन और मैनी। देखो, ओव्यूल सिंपली क्या होता है, ओव्यूल आगे जाके क्या बनाएगा, सीड बनाएगा। तो सीड एक भी हो सकता है और मैनी भी हो सकते हैं। अब इसमें कुछ भी नहीं याद करना, सिंपली लॉजिक्स है। देखो, वन वीट राइस मैंगो, हमने वीट देखा है, वीट का प्लांट, उसमें क्या है, एक उसमें एक ही सीड निकलता है। राइस में भी एक उसमें एक ही सीड निकलता है, और मैंगो, एक मैंगो में एक ही सीड निकलता है। सिंपल है, लॉजिक था, कुछ याद नहीं किया। मैनी पपाया, पपीते में देखा होगा कितने सारे बीज निकलते हैं। वॉटरमेलन तरबूज में भी कितने सारे बीज निकलते हैं, मैनी, ठीक है। और ऑर्किड्स में कितने सारे बीज होते हैं उसमें, ठीक है। तो इसमें कुछ भी याद करने जैसा नहीं था, लॉजिक्स पे है, कॉमन सेंस पे है, बिल्कुल क्लियर है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। देखो, वाटर पोलिनेटेड प्लांट्स कौन से हैं एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। देखो, एक केमिस्ट्री में अपने पास रिएक्शन होती है हेल वोलहार्ड जेलिंस्की, ये रिएक्शन होती है HVZ, ठीक है। अब देखो, ये एक साइंटिस्ट का नाम है ना, और ये केमिस्ट्री में रिएक्शन बना रहा था, ये साइंटिस्ट केमिस्ट्री में रिएक्शन बना रहा था, तो बहुत मेहनत करता था, ऑब्वियस सी बात है, तो बहुत मेहनत करता था, तो इसको पानी की प्यास भी बार बार लगेगी। इससे थोड़ा रिलेट हो जाएगा कि ये साइंटिस्ट है HVZ, ये बहुत मेहनत करता था केमिस्ट्री में, तो इसको बार बार प्यास लगती थी, मतलब ये वॉटर याद आ जाएगा। तो वॉटर पॉलिनेटेड प्लांट कौन से हैं, हेल वोलार्ड जेलेंसकी, HVZ, एच से हाइड्रिला, वी से वेलिस्नेरिया और जेड से जूस्टेरा, बिल्कुल क्लियर है। अब इसी के रिलेटेड, ये वाटर पोलिनेटेड के रिलेटेड ही एक है कि ऐसे प्लांट जो हैं तो एक्वाटिक, है ना, एक्वाटिक प्लांट है, पर उनकी पोलिनेशन पानी से नहीं होती। ये तो क्या है, वाटर पोलिनेटेड, पर ये ऐसे प्लांट हैं कि ये एक्वाटिक हैं पर उनकी पोलिनेशन वाटर से नहीं होती। तो इसको याद रखना, नकाबपोश, इन दोनों को याद रखना, बहुत बड़े नकाबपोश, मतलब इनके नाम में भी वाटर आ रहा है पर ये धोखेबाजी कर रहे हैं। नाम में इनके वाटर है, मतलब इन्होंने वाटर का नकाब लगाया हुआ है, पोलिनेशन और कहीं से करवा रहे हैं और नाम में अपने वाटर लेके घूम रहे हैं, मतलब ये धोखेबाज है, नकाबपोश, वाटर वाटर से याद रखना, ठीक है, बहुत बड़े नकाबपोश, ठीक है। नेक्स्ट है फॉल्स फ्रूट। देखो, जो बार बार झूठ बोलता है, फॉल्स मतलब झूठ, जो बार बार झूठ बोलता है उससे सच उगलवाने के लिए हमें बार बार उससे पूछना पड़ेगा। जो बार बार झूठ बोलेगा उससे बार बार हमें पूछना पड़ेगा कि सच बता, बार बार पूछना पड़ेगा, मतलब पूछना मतलब आस्क, आस्क की ये स्पेलिंग याद रखना, पूछना, ASC, आस्क। जो बार बार झूठ बोलेगा उससे बार बार पूछना पड़ेगा, ASC, ASC, ए से एप्पल, ए से एप्पल, एस से स्ट्रॉबेरी, सी से कैश्यू, क्लियर है। फॉल्स फ्रूट कौन से, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू। नेक्स्ट है पेरिस्पम। मैं नेक्स्ट है पेरिस्पम, पेरिस्पम में इसको वर्ड को पकड़ना है, पेरिस्पम में पकड़ना है कि इसको स्पर्म को पकड़ना है, और स्पर्म से क्या होता है, बच्चे पैदा होते हैं। पेरिस्पम में पकड़ा स्पर्म को, स्पर्म से क्या होता है, बच्चे पैदा होते हैं। बच्चे मतलब दो बच्चे हुए, हम दो, हमारे दो, तो एक बच्चा ब्लैक पेपर, एक बच्चा बीट, बी फॉर बच्चे, बी फॉर ब्लैक पेपर एंड बीट, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट है पार्थेनोकार्पी एंड एपोमिक्सिस। देखो, यहां पे कंफ्यूजन होगी, बिल्कुल क्लियर रखना है। देखो, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का मतलब है कि उसमें सीड अब्सेंट होगा, और एपोमिक्सिस का मतलब है फ्रूट अब्सेंट, इसको ऐसे याद रखना है, इसमें सीड अब्सेंट, इसमें फ्रूट अब्सेंट। अब देखो, इसका एग्जाम्पल है बनाना। अब बनाना में सीड अब्सेंट होता है, इसमें याद क्या करना है, हमें पता ही है बनाना में सीड होता ही नहीं, तो कॉमन सेंस है। और इधर भी देखो, आप कॉमन सेंस लगेगी बिल्कुल, यहां पे क्या है, फ्रूट अब्सेंट, ग्रासिस, आपने ग्रासिस देखी है, घास देखी है, घास में कभी फ्रूट देखा है लगा हुआ, बिल्कुल भी नहीं देखा, कॉमन सेंस है। एस्टरेसी फैमिली, इसमें क्या आते हैं, जैसे सनफ्लावर है, सनफ्लावर पे आपने फ्रूट कभी देखा है लगा हुआ, नहीं देखा, तो ये कॉमन सेंस है, इसमें कुछ याद नहीं करना था, ठीक है। लास्ट है नॉन एल्ब्यूमिनस एंड एल्ब्यूमिनस। देखो, इसको कैसे याद करना है, सिंपल है, इसमें भी कॉमन सेंस लगाएंगे, कोई ट्रिक नहीं है, बिल्कुल कॉमन सेंस है। देखो,
एल्ब्यूमिनस मतलब इनके पास एंडोस्पर्म बचा हुआ है, उसी को तो बोलते हैं एल्ब्यूमिनस। और नॉन एल्ब्यूमिनस का मतलब क्या होता है, इनके पास एंडोस्पर्म नहीं बचा हुआ। तो इसको ऐसे याद रखना कि जिनके पास एंडोस्पर्म बचा हुआ है वो जमीन पे खड़े हो गए, मतलब जमीन से ऊपर खड़े हो गए, और जिनके पास एंडोस्पर्म नहीं बचा हुआ मतलब उनके पास एनर्जी नहीं बची, मतलब वो जमीन पे पड़े हैं। तो जैसे पी है, ग्राउंड नट्स हैं, बीन्स हैं, आपने इनके पौधे देखे होंगे, मटर का पौधा या मूंगफली लगी या बीन्स, ये जमीन पे पड़े रहते हैं, जमीन पे ऐसे बिछे पड़े रहते हैं, और ये सारे जमीन पे खड़े हैं। कास्टर है, कोकोनट है, नारियल, वीट है, जमीन पे खड़ी है, मेज है, ये भी जमीन पे है, बार्ले जो है ये भी जमीन पे खड़े हैं, एंडोस्पर्म है तो खड़े हो गए, और इनके पास एंडोस्पर्म नहीं था मतलब एनर्जी नहीं था, ये जमीन पे बिछे पड़े हैं। तो इस तरीके से इनको याद किया जा सकता है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको मदद मिली होगी। ठीक है, थैंक यू।